भराड़ी बसिज कठालग, तो इस साइड पे कठालग है और इस साइड पे जो है भराड़ी। तो फर्स्ट राउंड चला हुआ है भराड़ी बसिज कठालग। तो लगातार भराड़ी स्कूल जो है लगातार बर्थ बनाए हुए। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल भराड़ी स्कूल जो है काफ़ी बर्थ बनाए हुए। और कठालक की झोली में अब ये पहुंच जाता हुआ। फिर से कठालक की टीम में की झोली की में ये पॉइंट जाता हुआ। अब कठालक जो है वो कम बैक करते हुए। दोस्तों हौसले जो है वो बुलंद रखने चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए। अब जो है भराड़ी की झोली में ये पॉइंट जाता हुआ। बहुत बढ़िया मैच। और एक बार फिर से कठालक जो है अपनी झोली में पॉइंट जाट डालते हुए। और इस बार जो है भराड़ी स्कूल दोनों ही टीमें काफी कम बैक कर रही हैं। आराम से
कैथोलिक स्कूल फिर से अपनी झोली में अगला पॉइंट डालते हुए मैं कहता हूं कि बहुत ही कसमा कसम का मैच चला हुआ है। कभी एक पार्टी जो है हैवी हो रही है, कभी दूसरी टीम जो है हैवी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा दोनों ही टीमों में संतुलन बनाए रखते हुए पता नहीं लगेगा कौन सी टीम जीता होगा। फिर से कैथोलिक टीम जो है कम बैक करती हुई, किसी भी टीम को कम नहीं माना जा सकता है। कसमा कसम भरा मैच जो है वो चला हुआ है, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। काफी कांटे की टक्कर, लमसम जो कि दोनों टीमों हैं तो एक बराबर हाइट के बच्चे, एक ही वेट के बच्चे, कुछ एक दो बच्चे जो होंगे वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन काफी दोनों ही टीमों के बच्चे एक बराबर जैसे हैं। अंडर 14 का ये मैच चलता हुआ और फिर से भराड़ी स्कूल जो है अपनी झोली में एक और पॉइंट डालता हुआ फिर से कम बैक करते हुए। और गालियां स्कूल के छात्र जो हैं बच्चे पानी वगैरह पिलाते हुए अच्छी सेवाएं। और फिर से भराड़ी स्कूल कम बैक करता हुआ, कभी कैथोलिक स्कूल कम बैक, कभी भराड़ी स्कूल, पता तो दोस्तों तभी लगेगा जब हार जीत होगी। और मैंने पहले भी बोला है दो टीमें जो होती हैं तो कभी भी नहीं जीत पाती, एक ही टीम जो है जो जीतेगी तो पता नहीं कौन सी टीम जो है वो विनर होगी। तो अब जो है कैथोलिक स्कूल जो है अपनी झोली में पॉइंट लेते हुए और अब भराड़ी स्कूल के बच्चे ने पॉइंट लिया। और अब जो है कैथोलिक स्कूल के बच्चे ने पॉइंट लेते हुए बहुत बढ़िया, इस बार इस बच्चे ने अपनी टीम के लिए अंक लेते हुए। तो रेट जो है तो देख सकते हैं आप किस तरह का, और बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फिर से भराड़ी स्कूल की टीम जो है अपनी झोली में अंक लेते हुए। तो लोग जो है काफी मजा आनंद लेते हुए। रेड राउट भराड़ी स्कूल जो है एक बार फिर से अपना दबदबा बनाते हुए सेकंड जो के टाइम हुआ है तो उस बार भी भराड़ी स्कूल के ही छात्र जो हैं वो अपनी बर्थ बनाए हुए, अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। बोनस
दोस्तों ये जो ग्राउंड है तो काफ़ी सराहनीय, जो कि गालियाँ स्कूल का, मैं भी यहीं स्थायी निवासी हूँ, मैं भी इसी स्कूल में जो है वो पढ़ के गया हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड और काफ़ी अच्छी सुविधा। तो जिस वक्त जो ये स्कूल बना हुआ था ना दोस्तों, तो हमने जो था ये लैंटर इस साइज को जो लैंटर डाला हुआ स्लैब, तो ये जो था ये हमने डाला था। और जब हम मैं मुझे पक्का याद है तब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैंने काम किया था यहाँ पे। तो स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो के यहाँ पे बढ़ चढ़ के हर किसी क्षेत्र में जो के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे दान में हो, चाहे देखने में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलजुल के ये काम करते रहते हैं। और जो कि हमारे बच्चे हैं ना, तो इनको हमें आगे लाना है, नशे से दूर रखना है। और खेल जो है ये एक खेल भावना की खेल से ही खेला जाना चाहिए। तो अभी तक तो बच्चे जो हैं वो अच्छे खेल दिखा रहे हैं, अच्छी प्रतिभा दिखा रहे हैं। और इन्हीं बच्चों में से, कल भी मैंने बोला था आज के बच्चे कल का भविष्य, तो इन्हीं बच्चों में से कोई इंडियन आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, हर एक क्षेत्र में, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, तो इन्हीं बच्चों में से जो है आगे निकल के आएंगे। और टाइम पूरा होता हुआ तो फिलहाल अभी पूछते हैं कि कौन सी टीम जो है। अच्छा साइड, तो अभी हाथ मिलाते हैं दोनों टीमें। तो दोस्तों अभी पॉइंट नोट करते हुए और आपको बताऊंगा कौन सी टीम विनर रही। जो अभी मैच हुआ है भराड़ी बस खिलाड़, इसमें भराड़ी टीम जीती है, जिनके हैं 37 पॉइंट और खिलाड़ की हैं 22 पॉइंट। ठीक है सर, थैंक यू। जो के दोस्तों कोच साहब ने बताया कि भराड़ी स्कूल जो है वो इसमें विनर रहा। तो भराड़ी स्कूल के बच्चों को और जो के उनके कोच साहब होंगे उनको काफ़ी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और स्थानीय जो कि यहां के लोग हैं उनको भी, और साथ में मैडम जी को भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी जो है हमारी टीम जो है भराड़ी ना, भराड़ी टीम जो है वो विजेता हुई है। तो आपको दिखाया मैंने, तो बच्चे जो हैं काफ़ी हौसला बुलंद था बच्चों का। फिलहाल ये भी लगातार बर्थ बनाए हुए, दोनों ही जो के सेट बने इनके, तो दोनों टीमों में, दोनों सेट में ही इन्होंने बर्थ बनाई थी। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और एक बात और, किसी एक मिनट, कभी भी किसी टीम को बेटा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले दूसरी टीम जो थी तो वो आपसे आगे चल रही थी, पहले आपने भी सोचा होगा, और उनका मनोबल गिरा, आपका मनोबल जो था वो टूटा नहीं था। तो आपने दृढ़ निश्चय करके रखा था हम कम बैक करेंगे, कोई बात, चलो बेटा ऐसा है, इसमें गुस्सा नहीं मानना, और वैसे भी इस चीज में खेल को खेल की प्रतियोगिता से ही खेलना चाहिए ना। तो ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।